प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। आज के इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है, जिसके अंदर दो सेक्स सेल्स जो हैं, या गैमेट्स जिनको हम बोलते हैं, स्पर्म और ओवा, उनका फ्यूजन होता है और उनके द्वारा जो है नए जीवों की उत्पत्ति होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंटली दो फंक्शंस उसके अंदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है इंटरमिंगलिंग ऑफ जीन्स ऑफ टू पेरेंट्स, यानी कि दो जो पिता हैं, माता और पिता, उनके जीन्स को आपस में इंटरमिंगल करके जो संतति है वो कुछ करेक्टर्स उसमें पिता के होते हैं और कुछ करेक्टर्स उसमें माता के होते हैं, और सेकेंड प्रोसेस वो डिवेलपमेंट को इनिशिएट करता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो फर्टिलाइजेशन के है। इसके अंदर फोर मेजर एक्टिविटीज होती हैं। पहली मेजर एक्टिविटी है कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग, यानी स्पर्म और अंडे का आपस में रिकॉग्नाइज करके एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना। रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू एग दूसरा इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है, कि स्पर्म की रेगुलेशन एंट्री, उसकी एग के अंदर एंट्री को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो स्पर्म कैरी करते हैं और एन नंबर ऑफ स्पर्म जो एग कैरी करते हैं, उन दोनों को फ्यूज करके 2n को डिप्लॉयडी को वापस रिस्टोर करने का कार्य भी फर्टिलाइजेशन में होता है। चौथी मेजर एक्टिविटी है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही एग जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होकर उसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ क्लीवेज है दैट स्टार्ट। अब स्पर्म जो होता है वो कैसे अट्रैक्ट होता है एग की तरफ, तो कुछ एग्स जैसे फिश एग्स के अंदर, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ से जो है केवल स्पर्म एंट्री कर पाता है, केवल उसी एरिया से ही स्पर्म एंट्री करेगा, और इन एरिया को माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये फिशेज के अंदर मोस्टली ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया पाया जाता है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर। स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं माइक्रोपाइल के आसपास और उसमें एंट्री कर देते हैं। अगर राइप एग को पानी में प्लेस कर दें और उसके बाद उसको रिमूव कर दें एग को वहाँ से, तो जो पानी उसके बाद बचेगा उसको एग वाटर बोलते हैं, मतलब एग रिलेटेड जो उसके अंदर केमिकल्स हैं कुछ वो पानी के अंदर रिलीज हो गए। तो स्पर्म जो होते हैं उसके अंदर, उसमें अगर रिलीज कर दें तो वो एक क्लंप बना देंगे, एक ग्लूटिनेशन का प्रोसेस जो है वो उसके अंदर वो शो करते हैं, स्पर्म क्लंप एक साथ बना। एफ आर लिली ने 1919 में सबसे पहले उस सब्सटेंस का अध्ययन किया था जो एग ल्यूटिनेशन को कॉज करता है, और इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया था फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग जो है ये कॉन्टिन्यूसली एमिट होता है मेच्योर एग के द्वारा, और यह इन्वॉल्व रहता है एग और स्पर्म के रिएक्शन के लिए। तो जैसे ये जो है ये आपके फर्टिलाइजिंग को शो कर रहा है, ये जो स्क्वेयर में आपको दिखाया हुआ है, तो ये स्पर्म जो है पर्टिकुलरली उसके द्वारा उसमें अटैच होते हैं एंड दे ट्राई टू एग्लूटिनेट, यानी एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। फर्टिलाइजिंग जो है ये केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं, यानी शुगर और प्रोटीन का जो है वो कॉम्बिनेशन है। परंतु इनके अंदर जो है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो उनके अंदर। फर्टिलाइजिंग जो है देर लार्ज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूल वेट 300,000 डाल्टन, 3,00,000 डाल्टन के लगभग होता है, और इनके अंदर जो है ईच फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन एक्टिव। द सरफेस लेयर ऑफ स्पर्मेटोजोन कंटेन अनदर सब्सटेंस एंटी फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग जो है उसके अपोजिट, तो ये जो बल्ब यहाँ पे स्पर्म दिखाई दे रहा है, तो ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म, तो फर्टिलाइजिंग ऑफ एग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म बिकॉज एग्लूटिनेशन। दो एंटी फर्टिलाइजिंग है वो एक ऐसी प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास होता है।
फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है दे कंबाइन इन ए पिक्यूलियर वे, एंड जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है या एंजाइम के अंदर लॉक एंड की जो एक्शन है एंजाइम का, उसी तरह से ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कंबाइन करके स्पर्म को एग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर स्पीसीज का फर्टिलाइजिंग अलग प्रकार का होगा और एंटी फर्टिलाइजिंग अलग प्रकार का होगा। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि सेम स्पीसीज के स्पर्म सेम स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज करता है, यानी किसी दूसरी स्पीसीज का, पर्टिकुलरली जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे फिशीज के अंदर या सी के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं या पॉन्ड के अंदर, तो उनके अंदर बहुत सारे एनिमल्स एक समय पर अगर स्पर्म रिलीज कर रहे हैं तो, और एक ही समय पर बहुत तरह की जो फीमेल्स हैं वो एग्स रिलीज कर रहे हैं, तो उसी स्पीसीज के स्पर्म अपनी स्पीसीज के एग को रिकॉग्नाइज कर कर फर्टिलाइज करेंगे। यानी कि आपस में ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रजाति के स्पर्म्स किसी दूसरी प्रजाति के एग को फर्टिलाइजिंग कर दें। तो ये बेसिकली फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग है, ये सुनिश्चित करते हैं कि उसी स्पीसीज के एग जो है वो फर्टिलाइज हैं। अगर हम अब स्ट्रक्चर्स की बात करें, गैमेट्स की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्पर्म्स की बात करें, तो एंटन वॉन ल्यूनहक ने 1678 में सबसे पहले स्पर्मेटोजोवा को डिस्कवर किया था, और उसके हिसाब से ये जो है ये पैरासाइट्स हैं विच आर लिविंग इन द सीमन, सीमन के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स बोला उनको, और उसका ये मानना था कि उनका डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं रहता। 1685 के अंदर 1685 के अंदर ईच स्पर्म कंटेन इट वाज हाइपोथेसाइज्ड दैट ईच स्पर्म कंटेन प्री फॉर्म्ड एनिमल, और स्पर्म्स आर सीड्स एंड फीमेल प्रोवाइड नियरली न्यूट्रिएंट सोयल फॉर सीड टू ग्रो। मतलब 1685 में ये थ्योरी दी गई कि उनके अंदर एक एनिमल क्यूल, छोटा एनिमल जो है वो स्पर्म के अंदर रिजाइड करता है, और जो फीमेल है, जो एग है फीमेल का, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म वाला वो है वो ग्रो कर पाए, एनिमल क्यूल जो छोटा सा एनिमल है वो उसके अंदर उपस्थित है, वो ग्रो करने के लिए केवल उसको एक न्यूट्रिएंट्स सोयल जो है वो प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ये सीड जो है स्पर्म वो ग्रो करता है। निकोलस हाल्सोकर ने बताया कि जो ह्यूमन है उसके अंदर ह्यूमनकुलस उसने नाम दिया, अक्कर विद इन ह्यूमन स्पर्म, जिसे एनिमल के अंदर एनिमल क्यूल बोला इसी तरह से ह्यूमनकुलस बोला जो ह्यूमन स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है। प्रीवोस्ट एंड ड्यूमोस ने 1824 के अंदर पहली बार रिपोर्ट किया कि जो स्पर्म्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, एंड प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन ऑफ ऑल एनिमल एंड इट्स एब्सेंस इन सब एडल्ट एंड इमेच्योर एनिमल्स इंडिकेटेड दैट स्पर्म्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो सब एडल्ट इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते, केवल मेच्योर इंडिविजुअल्स के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये फर्टिलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसने प्रपोज किया कि जो स्पर्म है वो एक्चुअली में एग के अंदर एंटर करते हैं और मटेरियली कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसके बाद वॉन कॉलिकर, ए वॉन कॉलिकर ने 1840 में रिपोर्ट किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो टेस्टिकल्स के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है, और उसने ये कंफर्म किया कि ये पैरासाइट्स नहीं है, और उसके अनुसार स्पर्म्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करते, दे ओनली एक्साइट द एग टू अंडरगो डेवलपमेंट। तो कोलिकर का ये मानना था कि स्पर्म केवल एक ट्रिगर करते हैं एग को डेवलपमेंट के लिए, बाकी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता। 1876 में हार्टविक एंड पोल ने बताया कि जो पेनिट्रेशन ऑफ एग है बाई स्पर्म एंड यूनियन ऑफ सेल्स न्यूक्लियाई इन सी अर्चिन के अंदर उसने अध्ययन किया और बताया कि जो स्पर्म है वो एग को पेनिट्रेट करता है,
और एक समय में केवल एक फर्म ही जो है वो उसके अंदर एंटर करेगा। तो फर्टिलाइजेशन है वो एटलीस्ट रिकग्नाइज एज यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो 1876 में पहली बार ये रिकग्नाइज किया गया कि जो है फर्टिलाइजेशन वो आपके यूनियन है स्पर्म एंड एग। स्पर्म एक्चुअल में एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस है जिसके पास एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो उसको प्रोपेल करता है, और इसके अंदर एक सेक ऑफ एंजाइम्स होता है। तो स्पर्म मैच्योरेशन के दौरान जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं दे बिकम न्यूक्लियस बिकम स्ट्रीमलाइंड एंड डीएनए बिकम्स टाइटली कंप्रेस्ड। तो उसके अंदर डीएनए टाइटली कंप्रेस्ड होकर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके सामने की तरफ स्पर्म के बिल्कुल ऊपर की तरफ एक एक्ट्रोसोमल वेसिकल जो है जिसका की जो उत्पत्ति है गोल्जी बॉडी से होती है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो है दे ट्रेवल मोस्टली बाय टेल, परंतु कुछ के अंदर जैसे एस्केरिस के अंदर अमीबाइड मूवमेंट भी करते हैं। तो इनके अंदर एक लैमेलिपोडिया होते हैं जो अमीबा की तरह मूवमेंट करते हुए इनके अंदर एक्रो एस्केरिस के अंदर, बाकी यूजली इनके अंदर एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। और ये जो फ्लैजला है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेजर पोर्शन जो होता है वो एक्सोनियम का बना होता है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट्रियोल एट बेस ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। तो अभी इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका जो कोर होता है इसके अंदर दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके चारों तरफ नाइन जो है एक रो ऑफ सराउंडेड बाई नाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो फ्लैजला की जो टिपिकल स्ट्रक्चर होती है वही स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये आपके जो है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। तो ये टेल की डेवलपमेंट शुरू होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है, गोल्जी बॉडी जो है वो एक्ट्रोसोम का फॉर्मेशन शुरू करती है। तो उसका जो फॉर्मेशन है वो उसकी टिप के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है जिसे हम एक्ट्रोसोमल वेसिकल बनाते हैं। ये एक्ट्रोसोमल वेसिकल जो है ये आपके ये गोल्जी बॉडी की सीक्रेशन द्वारा एकत्रित एंजाइम्स का समूह हुआ है, और यहाँ पे जो है मिड पीस के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं तो स्ट्रक्चरली मॉडिफाई होना शुरू होता रहता है ये। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अरेंज हो गए, ये इसकी फ्लैजला है, इसको हम टेल बोलते हैं, ये इसका न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट है और ये इसका एक्ट्रोसोमल पार्ट है। तो इसके बाद इसके अंदर इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है, ये धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली फाइनल जो स्पर्म है वो इस प्रकार से ये उसकी शेप है। तो इसके अंदर हम इसकी बॉडी को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अगर पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल एंड एंड पीस। तो एक लास्ट में इसके जो होता है एक एंड पीस और प्रेजेंट होता है। तो पांच भागों में स्पर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं। हेड जो होता है उसके टिप के ऊपर जो है एक्ट्रोसोमल वेसिकल होता है जो एक एंजाइम्स का समूह है जो एग्स के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो है हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कैरी करता है। नेक जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल, सेंट्रियोल फिर अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लीवेज के टाइम पे, क्लीवेज जब एग जो है आगे डिवेल्प करेगा तो उसमें सेंट्रियोल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ एग। तो चाहे वो स्पर्म्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के समय में पानी के अंदर रिलीज हुए हैं या इंटरनल फर्टिलाइजेशन के टाइम में बॉडी के अंदर रिलीज हुए हैं, तो उस समय एग स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो उसकी जो टेल है वो फ्लैजला की जो टिपिकल स्ट्रक्चर होती है वही इसके अंदर स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर दो सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो ये दो सेंट्रल सिंगलेट सिंगल हैं इसलिए सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। उसके चारों तरफ अगर हम काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ जो है वो आपके पेरिफेरल हम इनको बोलते हैं,
डबलेट माइक्रोटिब्यूल्स हैं। तो टिपिकल जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वही उसकी स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। इसके अंदर एक रेडियल स्पोक्स, तो 9 जो पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स हैं उनसे एक रेडियल स्पोक जो है वो निकलती है सेंटर की तरफ। उसके जो हेड है, सेंट्रल वाला पार्ट जो सेंटर को फेस करता है, वो थोड़ा स्वोलन होता है, विच इज कॉल्ड हेड ऑफ स्पोक। इसी तरह से इसकी दो आर्म्स होती हैं, और ये जो दो आर्म्स हैं एक कहलाती है आपकी इनर डाइनी नाम। तो ये वाली आर्म इनर डाइनी नाम, ये वाली आर्म आउटर डाइनी नाम, दो आइनी दो इसकी आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी फ्लैजला का अगर हम केस काटे तो उस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और अगर हम ये जो डबलेट हैं, ये 9 पेरिफेरल डबलेट हैं, इनकी अगर हम आगे स्ट्रक्चर देखें तो जो आपका फर्स्ट वाला जो है आपके, इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो एक से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13 9 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। और जो बी जो है आपके बाहर वाला जो होता है वो 11 प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है, जो ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूबुल डबलेट की स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसके अंदर होती है। तो प्रोटीन डायनिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हाइड्रोलाइजेज एटीपी एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मूवमेंट के लिए जो ये प्रोटीन डायनिन है ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर ये डायनिन लैक हो तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर मेल स्टराइल हो जाएंगे, यानी कि एग जो है वो स्पर्म जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, और मूव ही नहीं कर पाएगा तो वो जो स्टराइल होगा, मेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होगा। और इसके लिए जो एटीपी होती है वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपके मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो इस फ्लैजला को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के जो एग है उसकी क्या स्ट्रक्चर है और किस प्रकार के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।